बीसलपुर के गांव रड़हिता में प्रतिदिन ग्राम प्रधान व कोटेदार का कोई न कोई नया कारनामा सामने आ रहा है। गांव में आवास व राशन न मिलने पर कई दिनों तक भूख से तड़पता रहा परिवार, परेशान होकर सरकार को दी आत्महत्या की चेतावनी और बीजेपी विधायक राम शरण वर्मा से प्रधान व कोटेदार की जांच कराकर आवास व राशन दिलाए जाने की मांग की। आज हम बात करते हैं गांव रड़हिता के एक ऐसे ग्रामीण की जो चार वर्षों से दर दर की ठोकरें खाकर गांव के बाहर जंगल में झोपड़ी डालकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गुजारा कर रहा है। यहां तक कि ग्रामीण बियावन जंगल में मच्छरों के बीच में रहता है। ग्रामीण ने अपना दुखड़ा तमाम अधिकारियों के आगे सुनाया, लेकिन किसी भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम बात करते हैं बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव रड़हिता की, जहां का सुल्तान शरीफ उर्फ पप्पू बेहद गरीब परिवार से है। पप्पू की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह दर दर की ठोकरें खाकर अपना व अपने बच्चों का पेट भरता है। सुल्तान उर्फ पप्पू के पास कई बीघा जमीन थी, मकान भी था, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा रहा कि माँ के इलाज के दौरान सब कुछ बिक गया, जिससे वह भूमिहीन हो गया। आज के दिन सुल्तान को गांव के ही समाज सेवी मुकेश कुमार गुप्ता ने गांव के बाहर गांव दौलतपुर हीरा के एक ग्रामीण की कुछ जमीन किराए पर दिलवा दी, जिसमें वह पन्नी का तिरपाल डालकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। गरीबी से जूझ रहे सुल्तान ने बताया कि गांव का कोटेदार शगीर अहमद हमें 9 महीने से राशन नहीं दे रहा है। पूरे लॉकडाउन भर कोटेदार ने मुझे राशन नहीं दिया, जबकि हमारा कार्ड भी बना हुआ है, जिससे हमारे परिवार में खाने की बेहद तंगी आ गई है। सुल्तान शरीफ ने आवास बनवाए जाने के लिए सचिव राजेश गौतम की व दबंग प्रधानपति यूसुफ के पास कई बार चक्कर लगाए, लेकिन दोनों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सुल्तान शरीफ की ऐसी गरीबी देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाकर रह जाता है, लेकिन गांव का प्रधान अपनी दबंगई के चलते सुल्तान पर आए दिन आवास के नाम पर पैसे मांगता रहता है। अगर यही हाल गांव रड़हिता का रहा तो एक दिन यह परिवार आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। जाहिद अली की रिपोर्ट। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम सुल्तान शरीफ उर्फ पप्पू। कहाँ रहते हो? ग्राम रड़हिता। क्या दिक्कत आ रही है? खेतों के बीच में रह रहे हो, कब से रह रहे हो? साहब 4 साल हो गई है यहाँ रह रहे हैं, झोपड़ी में काट रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। मतलब खेतों में रह रहे, वो भी किराए पर रह रहे हैं? जी साहब। कितने रुपए महीने देते हो? 1200 रुपया महीना जी झोपड़ी में रह रहे हैं। इन झोपड़ी में रह रहे 1200 रुपए महीने देते हो? जी साहब। इस जगह पे आपको किसने रखवाया है? यहाँ पर नथु लाला ने हमें किराए पर जगह दिलवाई थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी। हमारी माँ ख़त्म हो गई, उनके कैंसर था, जगह मरैया बेच के हमने इलाज में लगा दिया। तो आपके पास कोई मकान और जगह नहीं रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साहब कुछ नहीं। खेती कितनी है? एक गुला नहीं। एक गुला खेती नहीं है? नहीं। राशन मिल रहा है कोटेदार से? नहीं साहब, कोटेदार ने हमको 9 महीना हो गया गल्ला नहीं दिया। 9 महीने से गल्ला नहीं दिया? नहीं। आपने कहा नहीं मुझे, क्यों गल्ला नहीं दे रहे? हम कई बार साहब भाज भाज गए थे इनके पास, बोले तुम्हारा जब कट गया तो हम कहाँ से दें। अच्छा, इनकार कर दिया। हाँ। तो इस वक्त आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है? फूलवानो। कहाँ रहती हो? हम रड़हिता। रड़हिता में रहती हूँ। एक खेतों में झोपड़ी डाल के रहती हूँ, क्यों रहती हो? किराए पर रहते हैं, हमारे पास है ही ना, हम गरीब आदमी थे। लेकिन गांव में तुम्हारे कुछ नहीं है? अच्छा, गांव में पहले से ही नहीं था या कि दिक्कत आई इसलिए? क्या हुआ? पहले से नहीं था। अच्छा, पहले से नहीं था। प्रधान जी से तुमने नहीं कहा कि खेतों में रह रहे मच्छर काट रहे हैं, हमारा एक आवास बनवा दो? बहुत कई प्रधान जी से सुनी ना। अच्छा, सुनी ना अभी तक? ठीक है। We'll be right back.